अस्सलामु अलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू फरहीन द किचन। आज मैं आपके साथ वाइट चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी और माउथ वाटरिंग रेसिपी है, और इसे सुफियानी बिरयानी के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। लेट्स चेक द इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए चिकन, 1.250 ग्राम्स की चिकन है, मीडियम पीसेस कट किए हैं, कुछ होल स्पाइसेस, 2 बे लीफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, हरी इलायची, क्लोव्स, पेपर, दालचीनी, बड़ी इलायची और प्योर घी लिया है, 4 टेबल स्पून, हाफ कप मिल्क, 250 ग्राम कर्ड और 30 का बादाम का पेस्ट बनाया है, 2 बिग अनियन को स्क्वायर चॉप्ड किया है, मलाई, 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज़ को ग्राइंड किया है थोड़ा मोटा, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, ग्रीन चिलीज़ लाइट ग्रीन कलर की ली हैं, हरे धनिया, पुदीने के पत्ते, 1 होल लाइम जूस, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और केवड़ा वाटर। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे कर्ड के साथ। सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड लाइम जूस, इन सबको अच्छे से डाल के इसे मिक्स कर देंगे और एटलीस्ट मिनिमम 1 आवर इसे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, क्योंकि हम इसे जितना मैरिनेट करेंगे हमारा चिकन उतना ही अच्छा सॉफ्ट और जूसी होगा। और पहले भी मैं एक टिप आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आप जब आप चिकन वॉश कर लें उसके बाद में आप इसे 10 मिनट्स 1 टेबलस्पून विनेगर डाल के वाटर में सोक कर लें, तो उससे बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट हो जाता है चिकन। और फिर उसे ड्रेन कर लें और फिर मैरिनेट करें। अब इसमें एक वेसल में 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है और उसमें अभी होल स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। जब ये स्पाइसेस अच्छे से हो जाएं थोड़े फ्राई, फिर मैं इसमें बेलीफ ऐड करूँगी, ये वाइट चिकन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होल स्पाइसेस का ही यूज़ होता है। इसमें अब अगर हम गरम मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, इसीलिए होल स्पाइसेस इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसमें मैं अनियंस ऐड करूँगी जो हमने स्क्वायर चॉप करके रखी हैं और इसे कंटिन्यूस स्टर करेंगे। इसे हमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है, इसका ब्राउन कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वाइट है बिरयानी तो हमें वाइट चाहिए, इस वजह से हम सिर्फ इसे ट्रांसपेरेंट फ्राई करेंगे। देखिए अब अनियंस का कलर चेंज हो गया है, ये ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, हमें बस इतना ही फ्राई करना था। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। इसे ऑयल में अच्छे से सौटे करें ताकि चिकन अच्छे से प्याज के साथ मिक्स हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, जब तक करते रहें। अब चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है अनियन के साथ, अब मैं बाकी के मसाले ऐड करूंगी। पेपर पाउडर मैंने हाफ वाइट और हाफ ब्लैक लिया है, अगर फुल ब्लैक लेंगे तो ग्रेवी का कलर डार्क हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे ही लें। थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये भी थोड़ी क्वांटिटी लेंगे हम क्योंकि हमने होल स्पाइसेस भी लिए हैं, और ग्रीन चिलीज़ का हम फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा इसे दरदरा ही रखेंगे। फाइन पेस्ट बना देंगे तो आपकी ग्रेवी ग्रीन कलर की हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए।
अब ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। और अभी मैं वाटर भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि कर्ड है इसमें, कर्ड वाटर रिलीज करेगा और चिकन भी। इसे अच्छे से सॉटे करते रहें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं चिकन के साथ। अब मैं इसमें बादाम का पेस्ट ऐड करूंगी, इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। और बादाम की पेस्ट डालने के बाद आपको ग्रेवी का ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि बादाम का पेस्ट अक्सर नीचे बॉटम में लग जाता है, तो आपको इसे रेगुलर इंटरवल पे स्टर करते रहना है, चेक करते रहना है। अच्छे से मिक्स कर लें इसे भी। बादाम का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूंगी 1 टीस्पून। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, आप इसे बिल्कुल स्किप ना करें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे कुक होने थोड़ी देर रखेंगे लिड लगा के, ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए, और हमें हर थोड़ी देर से चेक करते रहना है ताकि ग्रेवी नीचे ना लगे। तक हमारा चिकन कुक हो रहा है, दूसरे बर्नर पे मैंने 750 ग्राम्स बासमती राइस रखे हैं बॉईल होने के लिए, उसका डबल पानी डाला है और पानी में सॉल्ट और ऑयल भी डाला है, ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर लीव्स भी। हमें इसे 80% कुक करना है। अब ग्रेवी चेक कर लेते हैं कि वाटर कितना रिड्यूस हुआ है। जी, काफ़ी वाटर रिड्यूस हो चुका है। अभी इसे भूनना स्टार्ट करेंगे। चिकन भी हमारा टेंडर हो चुका है काफ़ी हद तक, जो थोड़ी कसर रह गई है बाकी ये भूनते में हो जाएगी। इसका पूरा पानी ड्राई कर लें। अब हमारा चिकन काफ़ी हद तक भून चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने लाइट ग्रीन कलर की चिलीज यूज़ करी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसे भी डाल के अच्छे से भून लें। और हमारे राइस भी 80% कुक हो गए थे, उसे भी ड्रेन कर लिया है, ग्रीन चिलीज डाल के भी भून चुका है। अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूंगी, मैंने अमूल की क्रीम यूज़ करी है, आप चाहें तो कोई भी दूसरे ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हैं, या घर की भी मलाई आप यूज़ कर सकते हैं। उसे अच्छे से बीट कर लीजिए और ग्रेवी में डाल सकते हैं। फिर अब इसे भी डाल के थोड़ा इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसे अच्छे से भूनने के बाद मलाई डाल के भी अब मैं इसमें 1/2 कप दूध ऐड करूंगी। ताकि ये जो ज़्यादा ड्राई हो गया है थोड़ी उसकी कंसिस्टेंसी हो जाए थिक। ज़्यादा ऐड नहीं करना है हमें मिल्क, थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि हमें इसे राइस में तय लगानी है इसकी, तो इसको वाटरी नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए। अब मैं हरा धनिया पुदीने के लीव्स ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी, और बिरयानी में ये तो मस्ट है, ये ज़रूर डालें आप, इससे टेस्ट बहुत एनहेंस होता है। इसे भी डाल के अच्छे से भून लें। अब ग्रेवी रेडी है राइस में तय लगाने के लिए। अब मैं लिड लगा के फ्लेम बंद कर दूंगी। अब दूसरे वेसल में मैंने 3/4 पोर्शन जो हमारी कुक्ड राइस हैं वो लिए हैं, और थोड़े मैंने अलग कर लिए हैं। अब मैं चिकन की जो हमने ग्रेवी प्रिपेयर की है वो इसमें तय लगाएंगे, पूरा अच्छे से स्प्रेड करेंगे, पूरा मसाला,
पीसेस सब इवनली स्प्रेड कर देंगे ताकि कोई भी स्पेस नहीं छूट जाए। पूरे में हमें इसे फैला के डालना है। मसाला अच्छे से बिछा दिया है। अब जो मैंने अनियंस को गोल्डन ब्राउन किया था वो मैं ऐड कर रही हूँ। पूरे में अच्छे से फैला के डाल देंगे इसे भी। ये बहुत मस्त है, आप इसे ज़रूर डालें। और केवड़ा वाटर, इसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। और बाकी के जो प्लेन राइस हैं अब मैं वो ऐड करूंगी अच्छे से पूरे में स्प्रेड करके डाल दूंगी इसमें। ग्रेवी की तह लग चुकी है। अब मैं इसमें प्योर घी ऐड कर रही हूँ। यह हमें जेनरसली डालना है और ये आप स्किप ना करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो मैंने कुछ ब्राउन अनियंस रोकी थी उसे फिर ऊपर से डाल रही हूँ और अब प्लेट लगा दूँगी। 5 मिनट्स मैं पहले फास्ट पे रखूँगी। हैवी बॉटम तवा लगाया है नीचे और जब अच्छे से स्टीम आ जाएगी तो स्लो कर दूँगी फॉर 10 मिनट्स। हमने जो राइस में 20% कसर छोड़ी थी वो स्टीम में ही अब कुक हो जाएगी। 10 मिनट्स हो गए हैं, अब चेक कर लेते हैं। अब वाइट चिकन बिरयानी रेडी है डिश आउट करने के लिए। वाइट चिकन बिरयानी रेडी है, इसे मैंने ब्राउन अनियन से गार्निश किया है और ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये पसंद आएगी इंशाल्लाह। और आप प्लीज़ मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।